नमस्कार, मैं रविश कुमार। त्रिपुरा में एक और पत्रकार की हत्या हुई है। क्राइम रिपोर्टर सुदीप दत्ता भौमिक की हत्या करने का आरोप त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवान पर है। दो महीने में त्रिपुरा में दो पत्रकार की हत्या हुई है। 50 साल के सुदीप दत्ता भौमिक बांग्ला अखबार सेंदन पत्रिका और वैनगार्ड टीवी चैनल के लिए काम करते थे। इस हत्या के विरोध में अगरतला के अखबारों ने अपने संपादकीय कॉलम को खाली छोड़ दिया है। त्रिपुरा टाइम्स के संपादक मानस पॉल का कहना है कि दो महीने में दो पत्रकारों की हत्या गंभीर चिंता की बात है। ये आप देख रहे हैं, एडिटोरियल स्पेस खाली है। पत्रकार भौमिक के संपादक ने बताया कि वे एक अपनी खोजी रिपोर्ट के सिलसिले में अगरतला से 30 किलोमीटर दूर सेकेंड बटालियन के मुख्यालय गए। बटालियन के भीतर घोटाले की खबर की तफ्तीश में जुटे थे। इस बटालियन की स्थापना त्रिपुरा में चरमपंथियों से मुकाबला करने के लिए की गई थी। चश्मदीद का कहना है कि आरोपी नंदू रेयांग से पत्रकार की झड़प हो गई और उसने सर्विस रिवॉल्वर निकालकर गोली चला दी। जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। भौमिक जिस कमांडेंट से मिलने गए थे उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगरतला प्रेस क्लब ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री मानिक सरकार के सरकारी निवास के बाहर प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने विरोध के तौर पर पुलिस से मिले सुरक्षा जैकेट को उतारकर जला दिया। सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विप्लव कुमार देव ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पत्रकार की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वैसे बेंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़ में आया है। कांग्रेस और बीजेपी ने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज ब्रिजगोपाल हरिमोहन लोया की मौत को लेकर जो सवाल उठे हैं उस पर कोई सक्रियता नहीं दिखाई है। त्रिपुरा में दिखाई है। वहां के अखबारों में अपने संपादकीय पन्नों के खाली छोड़ने की खबर दिल्ली में छपी है, मगर दिल्ली के अखबारों में सीबीआई जज की मौत को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में लिखने की कोई जगह शायद नहीं बची थी और खबर नजर नहीं आ रही। जबकि बुधवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन कैमरों को देखिए आप, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आए तो थे सब इतने चैनल, फिर भी वो खबर कहां गई। एक जज की मौत को लेकर सवाल हो और क्या उसकी भी खबर लिखने की हिम्मत नहीं बची, तो एक सवाल आप खुद से पूछिए कि हर महीने केबल और अखबार का बिल क्यों देते हैं, किसी मंदिर में दान क्यों नहीं कर देते। इतना सारा पैसा किसी गरीब की जिंदगी बदल देगा। हमने सारे चैनल तो नहीं देखे मगर दर्शकों ने ही बताया कि खबर कहीं दिखी नहीं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे नजर आ रहे हैं, पत्रकार भी नजर आ रहे हैं, फिर भी 23 नवंबर के अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में यह खबर क्यों नहीं है। जजों और वकीलों को सोचना नहीं चाहिए, अगर उनकी बिरादरी के किसी जिम्मेदार की मौत पर सवाल उठ जाए और वे छपे ही ना तो फिर सिस्टम के सामने उनकी भी क्या हैसियत रह जाती है। बात बात में वकीलों के अहंग को ठेस पहुंचती है तो वे देश की अदालतों में हंगामा मचा देते हैं, मगर एक जज की मौत हुई है सब चुप क्यों हैं? जज लोगों की अपनी बिरादरी होती है, वो भी भारत के स्तर पर कम छोटी बिरादरी नहीं है, उन्हें क्यों काट मार गया है। त्रिपुरा के अखबारों ने संपादकीय खाली छोड़कर साहस का काम किया। दिल्ली के अखबार एक जज की मौत पर सिंगल कॉलम की जगह नहीं बचा पाए। हमारा लोकतंत्र डरपोक तंत्र में बदल रहा है, जिसका नतीजा आप आम जनता को भुगतना पड़ेगा अंत में। सीबीआई तो बोल सकती थी, जज ब्रिजगोपाल हरिमोहन लोया की मौत पर जो सवाल उठे वो सीबीआई के ही स्पेशल जज से, सीबीआई को बोलने से कौन रोक रहा है। दिल्ली में विपक्षी दलों की भी चुप्पी बताती है कि उनकी कमर भी कितनी कमजोर हो चुकी है। हमने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और मनीष तिवारी का ट्विटर हैंडल देखा, इस मसले पर कोई ट्वीट नहीं है, जबकि दोनों ही वकील हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने जरूर इस पर 3 ट्वीट किए हैं। कैरवान की दोनों रिपोर्ट को उन्होंने ट्वीट किया है और वायर की भी रिपोर्ट को। आशुतोष ने 3 बार ट्वीट किया है और कहा है कि जज लोया की मौत पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट गंभीर सवाल खड़े करती है जिसके जवाब जरूरी है। सीपीएम ने एक बयान जारी किया है, मीडिया के कुछ हिस्सों में सीबीआई जज की मौत की परिस्थितियों को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जस्टिस लोया के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं कि सुनवाई के दौरान रिश्वत देने की पेशकश की गई थी, धमकी दी गई थी, इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्र ने सीताराम येचुरी से बात की है। जितने सारे बातें अब उभर कर आ रहे हैं ये बातें बहुत गंभीर है, क्योंकि इसके अंदर मर्डर की बात है, इसके अंदर भ्रष्टाचार की बात है, इसके अंदर हमारी व्यवस्था की तोड़ मरोड़ करने की बात है। कोर्ट कचहरी और हमारे पार्लियामेंट्री जनतंत्र के जो संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करने की बात है। ये सब बहुत ही गंभीर आरोप है और हम चाहते हैं कि इन आरोपों के ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी हो और सच बाहर निकले और जो भी अपराध है, जो ये अपराध किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
गुजरात चुनाव के कारण विपक्षी दल बोलने की औपचारिकता से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शायद उनके मन में यह है कि इस मामले को लेकर ध्रुवीकरण ना हो जाए, लेकिन मामला तो एक जज की मौत का है। क्या एक जज की मौत को लेकर भी इस डर से चुप रहा जा सकता है, वो भी जिनके नाम में शुरू से लेकर अंत तक ब्रिज के कृष्ण हैं, ब्रिजगोपाल हरिमोहन लोया। खैर, राजनीति अपना समय तय करती रहेगी, लेकिन क्या यही मजबूरी अदालत की भी है, क्या यही मजबूरी कानून मंत्रालय की है या सीबीआई की भी है? रिटायर्ड जस्टिस एपी शाह ने हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन से बातचीत की। बातचीत अंग्रेजी में है। जस्टिस एपी शाह का कहना है कि जज लोया की छवि एक ईमानदार और सख्त जज की थी। जस्टिस एपी शाह ने यह भी कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस मामले की जांच करनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। I have read these two articles in Caravan, and the video recorded testimonies of the members of the family. I think one is his sister. There are two sisters. One is a doctor, and other is a teacher. And his father also appears on the video. Then his son, he seems that he has written some letter. He was very young when his father died. Ordinarily, I would not go by simply some piece in any magazine or newspaper. But I'm a little concerned about the allegations made by the members of the family. I don't know Judge Loya personally. I didn't know him, but I made inquiries and I found that he was considered to be an upright and honest judge. Now his family feels very strongly that there was some foul play in his death. Now they give a long list of circumstances. Starting from the fact that there were blood stains on his clothes, then somebody signed the postmortem report as his he died in Nagpur, so as his cousin brother, they don't have any relation in Nagpur, and also the some other facts like all the messages from his mobile were deleted, and they give so many circumstances. And The doctor, particularly the doctor sister, feels that there is something wrong with the conclusion that he died of cardiac arrest. The other part is more troubling, where the family says that the judge shared with them that there was a pressure on him. A member of the higher judiciary tried to influence him. A huge bribe was offered to him. Then he was also promised of a land or a flat in Mumbai. It just seems to be from somewhere from Marathwada. The fact is that he was handling a high profile case at that time. And I'm quite concerned about this. Because you see, the first is he was a member of the judicial fraternity. He was of a district judge ranking, and he was handling this case. And if the family feels maybe there is some delay, they have come out with several years, but still, if the family of a judge feels that there was some he died under mysterious circumstances or there was a foul play, I feel that it is very necessary that the head of the judiciary, either the CJI or the CJ of Bombay High Court, should look into that. It appears that from the report, again, I make it very clear, I'm not expressing any opinion on the allegations. I'm only saying that why there should be an investigation. It appears that the son made a request. Son claims to have made a request to the then CJ to hold an inquiry. It was not done, according to the family again. So it is very necessary that there should be an inquiry.
In these recent times, the judiciary is suffering from self-inflicted wounds. This is the tallest institution in this country, at least, in the perception of many citizens, the judiciary, they have tremendous faith in judiciary. And they feel actually, if the reality is to be protected, the independence of the judiciary, then it is necessary that such allegations, even it is necessary for the then Chief Justice to clear his name, because this, unless this investigation is some sort of inquiry order or some, it's in the interest of everybody, including again the persons against whom the allegations are made. This is often heard. बहुत जोखिम की बात है इस तरह से संभल कर कथित रूप से क्लेम के शब्दों का सहारा लेते हुए जस्टिस एपी शाह ने कम से कम बोला तो वैसे तो बहुत सारे जज रिटायर हुए कोई बोल नहीं पा रहे पर उन्होंने अपनी पूरी सतर्कता से जो बात रखी और आखिर में एक बात कह रहे थे कि जुडिशरी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड से पीड़ित है मतलब खुद ही उसने कुछ ऐसे घाव गहरे किए हैं जिससे उसे ठीक करना पड़ेगा ये उसके ऊपर दाग की जैसा है और जुडिशियल न्यायपालिका जो बिरादरी है उसके भीतर से ये आवाज़ आनी चाहिए तो बहुत ही साहस की बात है कि उन्होंने ये बात आकर कही है जितना जो रिपोर्ट से बात आती है जांच की भी है बात और जांच पर भरोसे की भी है जब बहुत सारे सवाल उठ जाएं तो मौत की परिस्थितियां संदिग्ध हो जाती हैं और इन सवालों के जवाब जांच से ही मिलेंगे जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं वरना ये सारे सवाल जो काफी ठोस लगते हैं नाहक और दूसरे अटकलों को जन्म देने लगेंगे मैं सोच रहा हूं कि वो दो जज क्यों नहीं बोल रहे मीडिया के सामने आकर जिन्होंने जज लोया को नागपुर चलने पर जोर डाला वे उसी कॉलोनी में रहते हैं या थे जहां जज लोया रहते थे फिर उनकी मौत के 1.5 महीने तक उनके परिवार से नहीं मिले क्या वे कुछ बता सकते हैं मेरा नंबर मैं चाहूं तो मैं दे सकता हूं वो चाहे तो 22 नवंबर के प्राइम टाइम में मुझसे एक चूक हुई मैंने कहा ऑटो में जज लोया को ले जाने वाला कौन था मगर उसी स्टोरी में लिखा है कि जज लोया को दो जज ऑटो में अस्पताल लेकर गए जो उन्हें मुंबई से नागपुर लेकर गए थे बहन अनुराधा बियानी के अनुसार दोनों जजों ने उन्हें यह बात बताई लेकिन मौत के 1.5 महीने बाद जब मिलने आए तब जब दिल का दौरा पड़ा तब उसी वक्त दोनों जजों ने परिवार को फोन क्यों नहीं किया 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक दो जजों में से एक तो फोन कर ही सकते थे क्या इन दो जजों को सरकारी गेस्ट हाउस रवि भवन में कोई गाड़ी नहीं मिली जिस वीवीआईपी गेस्ट हाउस में जज आईएएस आईपीएस मंत्री ठहरते हैं वहां एम्बुलेंस वगैरह या कारें तो होती ही होंगी क्या उस वक्त गेस्ट हाउस के कैंपस में कोई एम्बुलेंस नहीं था क्या उन्हें पता था कि शव को लेने के लिए कागजात पर लोया का चचेरा भाई बनकर कोई दूसरा दस्तखत कर रहा है ये चचेरा भाई कौन था क्या उन्होंने पूछा कि जिस जज को वो अस्पताल तक ले गए और जो मर गया जिसकी लाश है वो लाश किसके पास है वो पोस्टमार्टम के वक्त वो कहां थे दोनों जज क्या वो कुछ जानते हैं वो अपने से खुद क्यों नहीं बोल रहे क्या उन्हें पता करने की कोशिश की कि शव कौन ले जा रहा है और कैसे ले जाया जा रहा है इसलिए कितना कुछ धुंध हट सकता है उनके सामने आने से इसलिए जांच जरूरी है तभी पता चलेगा कि उन्हें क्या वाकई 100 करोड़ के रिश्वत की पेशकश की गई थी दूसरा सवाल यह है कि जांच कौन करेगा किसकी निगरानी में एक सवाल परिवार की सुरक्षा का भी है जज लोया के बेटे ने जिसके बारे में एपी शाह कह रहे थे जस्टिस एपी शाह 18 फरवरी 2015 को एक पत्र भी लिखा है जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताया है उसने लिखा है कि मुझे डर है कि ये नेता मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं ये कौन है नेता मेरे पास इनसे लड़ने की ताकत नहीं है मुझे डर है कि उनके खिलाफ हमें कुछ भी करने से रोकने के लिए वे हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारी जिंदगी खतरे में है कैरवन की स्टोरी में जज लोया के पिता ने निरंजन टाकले जिन रिपोर्टर ने की है कहा है कि वे 85 साल के हो गए हैं मुझे अब मौत का डर नहीं बाप हैं कहेंगे ही मैं इंसाफ भी चाहता हूं लेकिन मुझे अपनी बच्चियों और उनके बच्चों की जान की बेहद फिक्र है निरंजन ने लिखा है कि ये बोलते हुए 85 साल का बाप रोने लगा मौत से जुड़े सवाल खतरनाक तो है ही रिपोर्ट के बाद की चुप्पी और खतरनाक ऐसा लगता है कि सब डर गए हैं सब पर्दे के पीछे से अपने ड्राइंग रूम में छुपकर सोफे के पीछे से प्राइम टाइम देख रहे हैं उन्हें तनाव हो रहा है वो बचना चाहते हैं कि अगले दिन कोई इस बारे में ना पूछे दिल्ली में बर्फ की सिल्ली जमी हुई है हम खोज रहे हैं कि इस मसले पर कौन कहां बोल रहा है बहुत मुश्किल से कोई आवाज सुनाई दी बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आज अली अनवर की किताब पूर्व सांसद राज्यसभा के उनकी किताब है राजनेता अली अनवर भारत के राजनेता अली अनवर इसके लॉन्च के समय इस सवाल को उठाया दुष्यंत कुमार की गजल के साथ कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार
अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पे चिपके हैं इतने इश्तहार। मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूं पर कहता नहीं, बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पे रिहा है या फरार। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि रौन के जन्नत जरा भी मुझको रास आई नहीं, रौन के जन्नत जरा भी मुझको रास आई नहीं, मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है उस समय जबकि देश में एक तरफ डेवलपमेंट के मुद्दे की बात हो रही है, आर्थिक उन्नति की बात हो रही है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात हो रही है, और उसी तरफ दूसरी तरफ क्या हो रहा है, गो हत्या, गोरक्षा, विजिलेंटिज्म, ये क्या हो रहा है। क्या जैसा राजा जी ने कहा इंटेलेक्चुअल्स मारे जा रहे हैं, जर्नलिस्ट मारे जा रहे हैं, अब तो अब जजेस भी मारे जा रहे हैं, और किन कारणों से मारे जा रहे हैं उन पर रोशनी डालने की कोई हिम्मत नहीं, अखबारों को छापने की ज्यादा अखबारों को हमारे दोस्त जो है उनको छापने की हिम्मत नहीं, और हिम्मत है तो उनके मालिकों से आदेश आ जाता है, क्योंकि आजकल धन शक्ति जो है वो जन शक्ति पे भारी पड़ा हुआ है। और अगर हम जैसे कुछ लोग सामने आते हैं तो हमें या तो मोटिव दिया जाता है या तरह तरह के सवालात किए जाते हैं। newslaundry.com, scroll.in, thewire.in, thehoot.org, mediavigil.com, जनचौक जैसे वेबसाइट अखबारों के पन्ने पलट रही हैं कि किस किस ने जज बृजगोपाल हरिमोहन की मौत से जुड़े सवालों को कवर किया है, छापा है, और किस किस ने नहीं छापा है वो लेख लिख रहे हैं। अजीब विडम्बना है, जिसके नाम में कृष्ण है वो गीता के किरदारों के बीच भटक रहे हैं, पांडवों की तरफ देखें कि कौरवों की तरफ देखें, दिख तो सब रहे हैं मगर शायद उनकी आत्मा को कुरुक्षेत्र का मैदान ही नहीं दिख रहा। आप देख रहे हैं कि सिस्टम चाहे तो सीबीआई के जज की मौत के सवाल को कालीन के नीचे सरकार दे, परिवार को असुरक्षित छोड़ दे, सिस्टम चाहे तो एक बस के कंडक्टर को मार मार कर मरा कर दे और उससे हत्या का गुनाह कबूल करवा ले। एक तरफ पुलिस एक जज के शव को ड्राइवर के भरोसे छोड़ देती है कि वो उनके गाँव ले जाए, कातिल तक पहुंचने की कोशिश नहीं करती, उसे शक भी नहीं होता कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ गुरुग्राम की पुलिस बस के कंडक्टर पर इतना शक करती है कि उसे फांसी तक पहुंचाने की हद तक चली जाती है, क्योंकि वो गरीब है। रियान स्कूल के प्रद्युम्न की हत्या के मामले में पहले आरोपी बनाए गए कंडक्टर अशोक ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बुरी तरह मारा है, करंट लगाई है, इंजेक्शन दिया है, इस दबाव में उसने मान लिया कि उसी ने कत्ल किया। जांच जब बदली जाती है तो आरोपी ही बदल जाता है। 8 सितंबर को रियान स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या स्कूल के ही बाथरूम में कर दी जाती है। गुड़गांव पुलिस एक्शन में आती है और कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार कर लेती है। कितना भाषण हुआ कंडक्टर को ऐसे रखा जाना चाहिए, वैसे रखा जाना चाहिए, बस में सीसीटीवी होना चाहिए। पुलिस कहती है कि कंडक्टर ने कबूला है कि हत्या उसने की है, लेकिन प्रद्युम्न का परिवार पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं होता, वो लगातार सीबीआई जांच की मांग करते हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर परिवार से मिलते हैं और सीबीआई जांच के आदेश देते हैं। सीबीआई जांच शुरू करती है और पुलिस के दावे की धज्जियां उड़ने लगती है। सीबीआई की जांच में कंडक्टर अशोक के खिलाफ सबूत नहीं मिले, फोरेंसिक जांच और सीसीटीवी को देखकर पुलिस स्कूल के इस सीनियर क्लास के छात्र को गिरफ्तार करती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अब इस मामले की सुनवाई कर रहा है। कंडक्टर अशोक की जमानत का सीबीआई विरोध नहीं करती, उसे 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल जाती है, लेकिन जेल से निकलकर कंडक्टर अशोक की हालत देखकर आप भी सिहर जाएंगे, जो उन्होंने हमारी सहयोगी सुनल से कहा है। वो ना तो सही से बात कर पा रहे हैं, ना ही खड़े हो पा रहे हैं। अशोक के मुताबिक इतनी बुरी तरह से मारा गया है जैसे उसने नरक भोग लिया हो। वो पत्रकार से बात करते करते रुक जाता है, दर्द बढ़ने लगता है, उससे बोला नहीं जाता, लेकिन जितना उसने बताया वो पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल पैदा करता है और आपके इस लोकतंत्र में जीने की सबूत पर। बड़े अधिकारी अब जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसी आरोपी के साथ क्या पुलिस इस तरह बर्ताव करेगी। हमारी सहयोगी सोनल मेहरोत्रा ने कंडक्टर अशोक से बात की। अगर अशोक की बात सही है तो हम सुनिए हमारी पुलिस किस किस तरह के काम कर सकती है, किन बड़े लोगों को छोड़ सकती है और किन गरीबों को अपराधी, कातिल और फांसी तक पहुंचा सकती है। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने
कभी इस सिस्टम को ढंग से पुलिस सुधार को लागू नहीं किया, क्योंकि ये पुलिस जब उनके हाथ से निकल जाएगी तो फिर वो वैसा शायद नहीं कर पाएंगे, कोई मार कर बच नहीं पाएगा। इतने टाइम जब आपको पुलिस ने रखा तो क्या एग्जैक्टली हुआ, हमें शुरुआत से बताइए कैसे ये शुरू हुआ पूरा काम? ले जाकर मारने लगे थाने, पीटते रहे, उल्टा लटका दिया, फिर मुर्गा की तरिया वैसे लटका दिया, ऊपर दोनों हाथ पैर पर घूम मारते हुए, मैं चिल्लाता रहा, खूब बोला तू हमारी बात मान ले फिर तेरे को छोड़ देंगे। फिर मैं तो फिर इंजेक्शन लगाया था, करंट भी लगाया। फिर जैसे बोलते गए मेरी तबीयत खराब हो तो मैं उनके पीछे ऐसी भी हाँ भरवाते गए, जैसे वे बोलते रहे ऐसे मैं हाँ भरता रहा। कितने दिन चला ऐसा? जब तक उन्होंने रवा रखा था, मेरे को पता भी नहीं क्या एक दिन रखा, दो दिन रखा, तीन दिन रखा, मैं तो सब कुछ भूल गया था, मेरे को सुध ही नहीं किसी चीज़ की। पर उतने टाइम पर आपको जो कोर्ट में लेकर आते थे, लेकर जाते थे, हमने खुद आपको उस समय देखा, क्या उससे पहले भी कुछ चीज़ें बताई उन्होंने कि जज साहब के सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? वो तो पहले बता गए वहाँ पर जाकर ना, जो हमारा हमने तेरे को बताइए ना, फिर तेरे को अगर तू नहीं बोलेगा मतलब हम हमारी कहीं नहीं मानेगा, फिर तू यहाँ पिटेगा और यहाँ से लेकर नहीं पाएगा। मेरे को नो भी ना पता कोर्ट के हो, उस टाइम जाकर वहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने, जैसी कही वैसी मैंने हाँ भर ली। बस तो इस टाइम पे तुमने कभी पूछा अशोक उनसे कि क्यों तुम्हें ऐसा करवा रहे हैं, तुम्हें क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे को किसी चीज़ को वो बता रहा था ना, मेरे को होश ही नहीं था, मैं तो सब कुछ वो जैसे कह रहे ऐसे ही हाँ भरते जा रहा था। अभी अशोक बताओ, अभी आप क्या चाहते हो? पहले मुझे अपनी हालत के बारे में बताओ, कहाँ कहाँ आपको अभी भी आपको लगता है डॉक्टर की जरूरत है अभी तुरंत? जेल में तो मैंने डर के मारा, पर मैं बताया नहीं किसी के मेरे क्या हो रहा। पर वहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वहाँ डॉक्टर ने नहीं देखा? हाँ इधर डॉक्टर मैंने बताई थी, उन्होंने ट्यूब दी, दवाई दी थी, वो इतना दवाई ले इतना थोड़ा आराम मिल जाओ फिर ऐसी हो जाओ शरीर, फिर मैं किसी को बताता भी नहीं, नहीं अपना रोता रहता था उसमें भी बड़ा हेक। नहीं हम समझ सकते हैं, और यहाँ पर ममता बैठी हैं, हमने ममता से इतने टाइम बात करी, जब वो भी दो मुलाजिम लगा रखे हुए बाहर बैठे रहते थे, उन्हें कुछ लेना देना या अपना आराम से बाहर बात करें, मैं भीतर अभी अकेला रोता रहता था। कोई नहीं, रोटी खाई तो खाई नहीं, नहीं सो गया। अभी अशोक अपनी हालत बताओ, कहाँ पर तुम्हें दर्द है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई हड्डियाँ वगैरह भी टूटी हैं? पूरे पैर जोड़ रखे जी, मुड़ते भी नहीं, सीधे भी नहीं होते, पूरी रात दर्द रहता, चसी चस कमर में आप देख रहे हो बैठ नहीं जा रहा कुकड़ू, रीढ़ की हड्डी में इतना ज़्यादा दर्द है, और छाती में तो बहुत सांस में दिक्कत हो रही है लेने में। अच्छा मुझे ये बताओ अशोक कि अभी तुम रायन इंटरनेशनल तो वापस जाओगे नहीं काम करने, तो अब क्या आगे का सोचा है, आगे कैसे परिवार का चलाओगे? मालिक ने क्या रख रखी और जिंदगी मेरे में, कैसे मैं बच्चों का पेट पालूंगा, बाल बाल कर्ज में हो गया, मजदूरी तो बस की नहीं रही अब, पहले मजदूरी करता था। मैं आखिरी सवाल एक पूछना चाहती हूँ, उससे पहले तुम लेट जाओ, एक एक मैं पूछना ये चाहती हूँ तुमसे कि क्या तुम आपने देखा, अब आप अपने आप को एक सीबीआई के मरे हुए जज की जगह रखे देखिए और कंडक्टर अशोक की जगह देखिए, कहाँ देखना चाहते हैं आप? क्या आप इसी दिन के लिए, इसी हालत के लिए सिस्टम और उसे चलाने वालों में इतनी ताकत सौंप देना चाहते हैं? एक बार जरा सोचिएगा, जब अपनी जुबान से मजबूत शब्द निकालिएगा तो ये वही हालत करते हैं, दोनों तरफ आम आदमी पिसा जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि इस सिस्टम में पुलिस वाले बहुत ऐश कर रहे होंगे? नहीं नहीं नहीं, इस सिस्टम में वो भी पिस रहे हैं, बस उनकी वर्दी अच्छी लगती है, वरना हालत उनकी भी बहुत खराब है। हम सब कितने लाचार हो चुके हैं, ऐसे ही लाचार बने रहे तो एक दिन
जिंदा आचार हो जाएंगे। सब कुछ पुलिस की मर्जी पर, सब कुछ सिस्टम की मर्जी पर। मन किया तो किसी को हत्या का आरोपी बना दो, मन किया तो किसी आरोपी को बरी कर दो। ब्रेक ले लेते हैं, वरना आपको भरोसा नहीं होगा कि आज की रात आप जिंदा हैं। विदेश जाना सबका सपना होता है, वो सपना एक नागरिक का भी होता है और एक मंत्री का भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह का भी सपना हो सकता है। स्कूल के खिलाड़ियों के साथ सीनियर शिक्षा मंत्री ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, मगर इस पर जूनियर शिक्षा मंत्री ने सफाई दी है कि अधिकारियों से कुछ गलती हो गई, जिसके कारण 11 बच्चों के डॉक्यूमेंट नहीं बन पाए। वो पूरे नहीं थे, 29 बच्चे ही जा सकते थे, ये कोटा था और इस कोटे में अधिकारी भी जाना था इसी कोटे में, मगर मंत्री जी का भी नाम देखकर सबके कान खड़े हो गए। वो क्यों जा रहे हैं? क्या बच्चों का नाम इसलिए तो नहीं काटा गया ताकि मंत्री जी एडजस्ट हो सकें? अगर बच्चों के पास पासपोर्ट नहीं था तो क्या वे बन नहीं सकते थे, खासकर तब जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इतनी मददगार विदेश मंत्री हैं? अनुराग द्वारे की रिपोर्ट है। अनुराग ने ऑस्ट्रेलिया जाने से रह गई दो लड़कियों से बात की, वे झुग्गियों में रहती हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पद्मनाभ नगर में ये 210 नंबर की झुग्गी है, जहाँ पर दो चैंपियन बहनें रहती हैं। उन चैंपियन बहनों का ख्वाब था कि ऑस्ट्रेलिया जाकर अपने देश की नुमाइंदगी करें, लेकिन सरकारी तंत्र में पेच ऐसा फंसा कि दो चैंपियन बहनों की जगह कई सारे अधिकारी जाएंगे, खुद मंत्री जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। आशा और अंजलि भोपाल के एमएलबी स्कूल में 9वीं में पढ़ती हैं। चार भाई बहनों को माँ बाप मुश्किल से पालते हैं, फिर भी दोनों बहनों के सपनों में कोई कमी नहीं आ पाई। 5 साल पहले उन्होंने स्कूल में सॉफ्टबॉल खेलना शुरू किया, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीते। 3 साल से ऑस्ट्रेलिया की तैयारी में 5 राष्ट्रीय पदक अपने नाम किए, जिसके बूते पैसिफिक स्कूल गेम्स के लिए चयन हुआ। 31 को चिट्ठी मिली, कहा गया 3 दिन में कागजात जमा करें। पासपोर्ट नहीं था, लिहाजा नाम कट गया, तैयारी धरी रह गई। हमारा क्रेम हुआ था, वहाँ पर हमारे नाम सिलेक्ट हुए थे, वो कहा गया था ऑस्ट्रेलिया जाओगे आप। स्कूली बच्चों के नाम से मंजूर सरकारी राशि से अधिकारियों ने आनंद फानंद में खुद विदेश घूमने की जुगत बैठा ली, जिसमें स्कूली शिक्षा मंत्री विजय शाह बतौर एचओडी शामिल हो गए, जिसमें विभाग की संचालक अनु भदौरिया, उप संचालक ब्रिजभूषण सक्सेना, अपर संचालक राजेंद्र कुमार डेकाते, राजेश यादव, जिला खेल अधिकारी रायसेन, लिपिक आमिर अहमद खान का रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी के तौर पर किया गया है। मामला जब हम लेकर सरकार के दरवाजे पर पहुंचे तो बताया गया कि अब पात्रता समझने समझाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। हमारे विभाग का मामला है, इसलिए हमने इसके लिए हमारे जो सहायक संचालक और संचालक दोनों को निर्देशित कर दिया कि वो इसकी जांच करके हमको संपूर्ण रिपोर्ट दें। अगर कोई इसमें दोषी पाया गया, अनावश्यक रूप से अगर विदेश जाता तो उसका खर्चा हम सरकार वापस लेगी, और भविष्य में चूँकि इस प्रकार की बातें नहीं हों इसलिए अब जब भी कोई इस प्रकार का टूर्नामेंट होगा जिसमें एलिजिबिलिटी की आवश्यकता होगी, खासकर पासपोर्ट जैसे संसदों की, क्योंकि मैंने मदर फादर को देखा था उनके, वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए एलिजिबिलिटी के लिए अब हम एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर देंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि एलिजिबिलिटी वो बनाए। अब माता पिता की नहीं होगी, अभिभावक की नहीं होगी और खिलाड़ी की नहीं होगी। नाबालिग बच्चों का पासपोर्ट मुश्किल से 3 दिन में बन जाता है, विदेश मंत्रालय की दखल हो तो सब मुमकिन है। अब बच्चों की अपील है कि सरकार उनके बारे में सोचे। अगर मौका मिले तो आप जाना चाहेंगी, क्योंकि कागजात अब बनने वाले हैं? यस सर, हमारे कागजात बन जाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। विभाग के जूनियर मंत्री वैसे मानते हैं कि नेताओं का ऐसे कार्यक्रम में जाना ठीक नहीं। बच्चे छोटे थे, विभाग ने उसमें कहीं ना कहीं जानकारी वो लेना था, अपनी जिम्मेदारी लेना था, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली, उन्होंने अभिभावकों को भी छोड़ दिया। तो इसमें मंत्री जी का जाना उचित है? नहीं, वो किस परिप्रेक्ष्य में जा रही है मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। 19 खिलाड़ियों को लेकर टीम दिसंबर के पहले सप्ताह में रवाना होगी। कांग्रेस को लगता है ये प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ अन्याय है। ये उन भांजों के साथ खिलवाड़ है जिनकी दुहाई देकर मुख्यमंत्री प्रादेशिक स्तर पर उन बच्चों के कथित मामा बने हुए हैं। क्या कारण है कि 11 बच्चों को माज इसलिए रोक दिया जिन्होंने नेशनल खेला है, जो गरीब हैं उन्हें इसलिए रोक दिया कि पासपोर्ट नहीं बनाया जा सकता है? पासपोर्ट यहाँ से 500 फरलांग दूरी पर है, पासपोर्ट ऑफिस 1 घंटे में उनके पासपोर्ट बन सकते हैं। जब पद्मावती को अवार्ड देने की घोषणा आधी घंटे में हो सकती है तो क्या 11 बच्चों को पासपोर्ट नहीं बन सकते हैं? वो इसलिए नहीं बनाए कि उन बच्चों के लिए आरक्षित जो धन था उसके पैसे पर उपभोग और आनंद लेने आनंद मंत्रालय का मंत्री नहीं जा रहा है, विजय शाह जी जा रहे हैं।
पैसिफिक स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2017 एडिलेड में 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक आयोजित होगी। टूर्नामेंट के प्रत्येक प्रतिभागी के लिए 2.5 लाख रुपए स्कूल शिक्षा विभाग दे रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद को बच्चों का मामा कहते हैं। मामा वो जो बच्चों पर सर्वस्व न्योछावर के लिए जाने जाते हैं, उनसे कुछ लेने के लिए नहीं। उसी दिन देश के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने संकेत दिया कि खेलों से लाल फीताशाही को कम किया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में एक लिस्ट आई जिसमें होनहार खिलाड़ियों का नाम काट दिया गया कुछ छोटे मोटी वजहों से, और उनकी जगह अधिकारी और मंत्री विदेश जाने की टिकट जुगाड़ने के जुगत में दिखे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।